हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 के चित्रकला का महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों को आज बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 95% लाने का टारगेट बनाए हैं तो आप आसानी पूर्वक से 95% मार्क ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके 101% फ्रेंड्स आपको बोर्ड के एग्जाम के पेपर में सब देखने के लिए प्रश्न मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि निम्न में कौन सा उदासीन रंग है। ऑप्शन है पीला होगा, काला होगा, या लाल होगा, या नीला होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि काला रंग जो होता है एक उदासीन रंग के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो पीला रंग होता है इसका विरोध कौन करता है। तो फ्रेंड्स, पीला रंग का आप याद रखिएगा विरोधी रंग जो होता है नीला होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? नीला। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ में आप याद रखिएगा जो सफ़ेद रंग होता है इसका विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। या फ्रेंड्स, आपको इसी में आपको चेंज करके पूछ सकता है कि काला का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर का, देखिए यहाँ पे कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बताएं कि काला रंग जो होता है उसका विरोधी रंग जो होता है सफ़ेद होता है। कौन सा रंग होता है? सफ़ेद। या सफ़ेद का विरोधी रंग पूछेगा तो काला। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन दिया है नारंगी बनेगा, हरा बनेगा, बैगनी बनेगा, या भूरा बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए, यदि आप नीला को, ठीक है देखिए ध्यान से, यदि आप नीला रंग में पीला रंग यानी दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपका जो रंग बनता है आपका, यहाँ से याद रखिएगा फ्रेंड्स आपका हरा रंग बनता है। कौन सा रंग मिलेगा फ्रेंड्स? तो हरा रंग। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नीला रंग और पीला रंग जब मिलाते हैं आपस में तो आपका हरा रंग बनता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है पांचवा नंबर का, रंग के गुण होते हैं यानी रंग कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसमें गुण होते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 3। रंग में कितने गुण होते हैं फ्रेंड्स? तो 3। आप याद रखिएगा कि रंग के कितने गुण होते हैं? 3। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स छठवां नंबर का आपका है कि इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि खनिज रंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है एक्रेलिक, गोरू, रामरज, पेवड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि खनिज रंग के अंतर्गत एक्रेलिक नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स सातवां नंबर का, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गर्म रंग जो होते हैं कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि गर्म रंगों की संख्या कितनी है? 4 है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो आपके पेपर में पूछता है गर्म रंग कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि लाल रंग जो होता है गर्म रंग के अंतर्गत आता है, जिसे हम गर्म रंग को क्या कहते हैं? उष्ण रंग के नाम से भी जानते हैं। किस रंग से? ना, उष्ण रंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये 2023 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा, या 2 होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो प्राथमिक रंगों की संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 होती है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है 9वां नंबर का कि नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है
कि नारंगी रंग आपको प्राप्त करने के लिए किन दो रंगों को आपस में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है लाल प्लस हरा, यानी लाल और हरा को मिलाएंगे, लाल और पीला को मिलाएंगे, नीला और पीला को मिलाएंगे, या हरा और पीला को मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा, यदि आपको नारंगी रंग प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लाल में आप क्या कीजिए, लाल में पीला रंग मिला दीजिए। यदि आप लाल में पीला रंग फ्रेंड्स मिलाते हैं तो आपको कौन सा रंग मिलता है, नारंगी रंग। इसका सही जवाब कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने फ्रेंड्स है 10वां नंबर का। ये भी आपके फ्रेंड्स 2023 के पेपर में फ्रेंड्स ये प्रश्न आ चुका है कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है लाल होगा, काला होगा, नीला होगा या सफ़ेद होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हरा रंग होता है उसका विरोधी रंग जो होता है लाल होता, कौन सा, लाल होता है। तो इसका सही जवाब तो ए होगा। फ्रेंड्स इसके साथ में याद रखिएगा कि काला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर 11वां नंबर का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्राथमिक रंग, अभी ये फ्रेंड्स आपको प्रश्न कराए थे कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, 3। तो इसमें इन तीनों का नाम बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। ऑप्शन है नीला, पीला या नारंगी होगा, नारंगी, हरा, बैगनी होगा, काला, सफ़ेद या लाल होगा, लाल, नीला, पीला होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होता है, कौन कौन सा होता है, तो लाल, नीला और पीला। ये लाल, नीला और पीला जो फ्रेंड्स होता है आपका प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्र का रंग, हरा रंग जो होता है का विरोधी रंग कौन सा है। फ्रेंड्स आपको सीधे सीधे ये बताना है कि हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अभी कराए थे कि जो हरा रंग होता है फ्रेंड्स, हरा रंग का जो विरोधी रंग होता है, तो अभी फ्रेंड्स क्या कराए, अभी प्रश्न ऊपर कराया ना, हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, काला होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स सिर्फ आपसे पूछेगा कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्दों का, कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंगों की संख्या कितना है। ऑप्शन है 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है 14 नंबर का कि नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स पीला होगा, लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नारंगी रंग दिया है, इसके जो समीपस्थ रंग जो होगा कौन सा होता है, तो पीला रंग जो होता है नारंगी रंग के समीपस्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 15वां नंबर का आपका सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जैसे आप याद रखना है, हरा रंग जो होता है, हरा रंग का क्या होता है, विरोधी रंग जैसे लाल होता है, तो उसी प्रकार से याद रखिएगा फ्रेंड्स बैगनी रंग जो होता है इसका विरोधी रंग जो होता है, ऑप्शन दिया आपका धानी हल्का होगा, नीला होगा, लाल होगा या पीला होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपको होगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग का जो विरोधी रंग होता है धानी कहिएगा या हल्का हरा कहिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है 16 नंबर का कि आदर्श रंग कितने होते हैं। मतलब आपको बताना है कि जो आदर्श रंग होते हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है 8, 3, 4, 6। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा आदर्श रंगों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है फ्रेंड्स, 6 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, यानी आपको चित्र जो कला पढ़ रहे हैं उसके कितने अंग होते हैं। तो ऑप्शन है 6, 2, 4, 8। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो चित्रकला है उसका टोटल कितने अंग माने जाते हैं,
टोटल 6 अंक माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है 18 नंबर का, कि कला शब्द किस भाषा का है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है ये, 2023 के पेपर में ये भी प्रश्न आ चुका है कि कला शब्द जो होता है किस भाषा का है। ऑप्शन है हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है या पाली का है। तो फ्रेंड्स जो आप याद रखिएगा, जो कला शब्द है फ्रेंड्स आपका संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है 19 नंबर का, कि हरा रंग किन रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन दिया है नीला और पीला का, पीला और लाल का मिश्रण है, लाल और हरा का, या हरा और पीला का। देखिए फ्रेंड्स आपको अभी यह प्रश्न बताए थे कि हरा रंग जो बनता है आपका, नीला और पीला रंग जब आपस में मिलाया जाता है तो हरा रंग का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में आप याद रखिएगा हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न बार बार बता रहे हैं ये आपके सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है यहाँ पे कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो अभी आपको प्रश्न बताए हैं कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। या काला का विरोधी रंग पूछेगा तो सफ़ेद बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको कला के या चित्रकला के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, या जितने भी प्रश्न कराए हैं आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन सभी कई बार रिपीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स इसी में से आपके 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।